नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्यान। जी हाँ दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं कान्हा केचली राष्ट्रीय उद्यान पर। जी हाँ दोस्तों, यह मंडला और बालाघाट में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। दोस्तों, यह पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलते हैं, अगला उद्यान है ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यह खंडवा जिले में स्थित है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। यह इंदिरा सागर जलाशय से घिरा हुआ उद्यान है। अगला उद्यान है डायनासोर जीवाशय राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, यह धार जिले में 2013 में स्थापित हुआ था। यह पहला डायनासोर जीवाशय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राष्ट्रीय है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, यह होशंगाबाद जिले में 1983 में स्थापित हुआ था। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह पन्ना और छतरपुर जिले में 1981 से स्थापित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यह सीधी जिले में और 1981 में स्थापना हुई थी। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जहाँ दोस्तों, यह उमरिया और कटनी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। दोस्तों, यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह शिवपुरी जिले में स्थित है और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यह जॉर्ज कैसल भवन है यहाँ पर। अगला है पैंच राष्ट्रीय उद्यान। यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिला में है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अगला है जीवाशय राष्ट्रीय उद्यान। यह डिंडोरी जिले में स्थित है और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सबसे छोटा उद्यान है और भारत के चार जीवाशय उद्यानों में से एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह भोपाल जिले में स्थित है और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, यह रहे मध्य प्रदेश की संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रमुख है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।